गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 20th of January 2023। माय एटीट्यूड इज दैट आई ऑलवेज वांट टू बी बेटर प्रिपेयर्ड देन समवन आई एम कॉम्पिटिंग अगेंस्ट। द वे आई प्रिपेयर माय सेल्फ इज बाय डूइंग माय वर्क ईच नाइट। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। डॉलर इंडेक्स 102.15 पे है। 18 जनवरी को एक स्पिन आउट ऑफ फॉर्मेशन हुआ है एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड। कल थोड़ा सा सेल ऑफ दिखा गया, हल्का सा वीकनेस दिखा गया डॉलर इंडेक्स में। अभी स्टार्टअप का डे में थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है। सो बेसिकली वी नीड टू कीप ए विजिल ऑन डॉलर इंडेक्स, क्या ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है या स्टिल द वीकनेस परसिस्ट। डॉलर रुपी आज लोअर ओपनिंग दिया है इन कंपैरिजन टू कल का जो हमारा क्लोजिंग था। उसके बाद नीचे आपका ट्रेड हुआ है 81.14 तक, उसके बाद फिर अभी है 24। सो डेटिंग दैट यहाँ पे आप अगर डेली RSI देखोगे तो आपका डेली RSI टुक रेजिस्टेंस एट 40, यानी यहाँ पे एक बियरिश लेवल बन रहा है। दैट बीइंग द केस हमें सेल ऑप्टिक्स भी कंटिन्यू करना है जब तक रिवर्सल सिग्नल्स नहीं देखता है। क्विकली अगर देखोगे अभी 52 में है, सो सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड हियर। और RSI अगर आवरली RSI या 30 मिनट से RSI जब भी 60 पे रेजिस्टेंस लेता है, 60 में आके रेजिस्टेंस लेता है, वही मैं ऑप्ट टू सेल। अभी आते हैं आपका GBP डॉलर पे। GBP डॉलर 1.2370, ये जो रेजिस्टेंस एरिया पे थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर रहा है 1.24 उसके आसपास, यहाँ पे हमें थोड़ा सा विजिलेंस रखना चाहिए बिकॉज वीकली RSI एट 60। सो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो रेदर देन बाइंग एट करेंट लेवल्स, शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। GBP INR एट 100.50, ये भी RSI डेली जो RSI है एट 60, वीकली RSI जस्ट अबव 60। सो थोड़ा सा यहाँ पे इसका टेक्सचर या ये जो बताना चाहते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। वीकली पे इट इज टाइम टू टेक सपोर्ट एट 60 एंड मूव हायर, लेकिन उसका कन्फर्मेशन तभी आएगा जब आपका 102.5070 के ऊपर क्लोज देते ऑन ए वीकली बेसिस। बट एज ऑफ नाउ डेली बेसिस में RSI डे taking resistance at 60. So that being the case, sell optics may be considered in this instrument. Euro INR 1.0832, ये current level पे आपका 1.0760 and 1.09 के बीच में consolidate कर रहा है। हमें देखना है कि क्या ये आपका 1.0750 के आसपास support लेके फिर bounce करता है या नहीं। Euro INR पे अगर देखेंगे तो ये consolidate कर रहा है and some sort of resistance डाइवर्जेंस इज ऑल्सो देयर। एंड हमें थोड़ा सा सेल ऑफ सेल ऑप्टिक्स के लिए ही प्रिफर करना चाहिए बिकॉज डेली इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। और डॉलर येन आपका 18 को BOJ का पॉलिसी के बाद एक ऊपर जाने का प्रयास किया था, नीचे का जो डाउन स्ट्रीक है उसको रिवर्स करने का प्रयास किया था बट फेल्ड एट हायर लेवल्स। दैट बीइंग द केस हमें जब तक ये आपका 18 के हाई के ऊपर डेली क्लोज नहीं दे देता है तब तक हम सेल ऑप्टिक्स ही कंसीडर कर सकते हैं। ये INR पे अगर हम देखेंगे तो आपका ये थोड़ा सा ये देखो आप मल्टीपल डाइवर्जेंसेस है। देन इन द केस ये जो आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है उनमें एक्सपेक्ट सम गुड सेल ऑफ इन INR। डॉलर के लिए 1.3463 आपका ये रेजिस्टेंस लिया है 1.3525 के आसपास एंड देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पे देखोगे कि इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस ऑन द सेंटर बैंड ऑन अ डेली बेसिस। दैट मीन द केस ऑन आवरली बेसिस पे अगर किसी को ट्रेड करना है आवरली बेसिस पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेने के एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉप करना है उसके लो के नीचे वन में ट्राई टू सेल।
with a good risk to reward for a target towards the lower part of the Bollinger Band, that is at 1.3350 के आसपास. ये हो गया आपका डॉलर कैंडी. पॉसी डॉलर 0.6918. ये आपका जो रेजिस्टेंस जोन है वो 0.7050 से 0.72 के बीच में, वहीं पे एक रेजिस्टेंस लेके आपका पिन बार बना के ये नीचे की तरफ आ रहा है. सो दैट इन द केस आपका कल के लो के नीचे, कल का जो लो है दैट इज 0.6870, उसके लो के नीचे हम और फर्दर सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डॉलर सी एन ए 6.7691. सो यहाँ पे हमें देखना है कि ये टिपिकल सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट करके बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है. अभी भी बाइंग के लिए कोई इंडिकेशंस है नहीं. ये बाइंग के लिए इंडिकेशंस हो सकता है अबव 6.79 के ऊपर हम थोड़ा सा अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यू कैल 86.27, ये आपका जो इमीडिएट जो नेकलाइन है, ये स्विंग हाई और द नेकलाइन, यहाँ पे डब्ल्यू टेप का फॉर्मेशन आ रहा है, डबल बटम का फॉर्मेशन. इसके हाई के ऊपर हम एक 95.50 की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एट द रेजिस्टेंस, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, ये अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ जाता है देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के लिए 95.50 की तरफ जा सकता है. यूएस 10-ईयर ट्रेजरी 3.40%, ये आपका स्विंग लो को तोड़ने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है. दैट मीन द केस आपका 19 जनवरी के लो के नीचे, 19 जनवरी का जो लो है 3.32, उसके लो के नीचे और फर्दर सेल ऑफ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना है. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.